अगेन 70 स्ट्रक्चर्स आर गोइंग ऑन और हम अभी तक कर चुके हैं 16 स्ट्रक्चर्स और उम्मीद है कि आपको 16 स्ट्रक्चर्स कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। स्टूडेंट देखिए आपको लगता है कि सर क्या वाकई में 70 स्ट्रक्चर्स बहुत काम की है, तो अभी तक हमने आपको दर्शा दिया होगा कि सर आप खुद कहेंगे यस सर रियल में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत काम आ रही है। और आपको एक और यकीन की बात बता दें कि देखिए जब ये स्ट्रक्चर्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत हार्डशिप भी मिलने वाली है, नई नई बात मिलने वाली है, यूनिकनेस मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी 70 स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट देखिए यहां पर ना पड़ता है आ जाना पड़ता है ए जाने पड़ते हैं। देखिए कभी कभी मैंने आपको अगर आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स देखे थी तो हमने बोला था मुझे खाना खाना पड़ता है, खाना मेरे द्वारा खाया जाना पड़ता है, मुझे कॉफी पीनी पड़ती है, कॉफी मेरे द्वारा पी जानी पड़ती है, ई जानी पड़ती है, ए जाने पड़ते हैं, आ जाना पड़ता है, मिल गए हमें सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये उनका पैसिव है। तो देखिए जब कभी है और हैज टू का पैसिव बनाना है हम क्या करेंगे, टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और रिया से हेल्प लेते हैं कि रिया इसके बारे में क्या कहती है। रिया बच्चों को धमकाया जाना पड़ता है। सो चिल्ड्रन हैव टू बी थ्रेटन्ड। वेरी गुड, थ्रेटन्ड यानी कि हैव टू बी। देखिए यहां पर वर्ड देखो आप हैव टू बी, तो हमने नोटिस किया हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। थ्रेटनिंग तो आप जानते रहे स्टूडेंट्स, टी एच आर ई टी ई एन थ्रेटन, राइट, हैव टू बी थ्रेटन एडी लग जाएगा, राइट। पर ये वर्ड देखिए धमकाया धमकी, राइट, तो हमने नोटिस किया ये काम करवाया जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली दिस इज इन पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हम आपको दे चुके हैं। पीडी सेमिनार यानी पीडी का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार रोज किया जाना पड़ता है, इंग्लिश करिए Wonderful, has to be, तो हमने नोटिस किया सिंगुलर है इसलिए has to be लग गया। Conducted, we know very well सेमिनार को कंडक्ट किया जाता है इसलिए हमने वर्ड यूज किया has to be conducted daily। Students, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ we have a set of three books, students मैं चाहता हूँ कि रिया इनको जरूर आप लोगों को एडवर्टाइज करें ताकि आप एडवर्टाइज हो और आपको अच्छा लगे कि आप भी ये बुक्स हमसे परचेज करें। रिया यू कैन गो अहेड। So friends, we have a set of three books. First is 70 Way of Spoken English. Second is Universal Interview and Group Discussion. And third is Medical Representation. Friends, you know very well, इसके अलावा हम आपको 7 days की invite भी करते हैं और आपको 7 days की coaching भी देते हैं और अगर आप नहीं आ सकते हैं, telephone preparations भी देते हैं। चलिए वापस आते हैं। आ जाना पड़ा, ए जाने पड़े, ई जाने पड़े। स्टूडेंट देखिए यहां क्या है, यही बात जो मैंने आपको सिखाई थी, उसे कपड़े धोने पड़े, कपड़े उसके द्वारा धोए जाने पड़े, आ पड़े, ए पड़े, ए जाने पड़े, ये देखिए ई जानी पड़ी, ए जाने पड़े, राइट। तो हमने नोटिस किया कि यहां पर जहां पर भी पड़े वर्ड आ रहा है, गेटिंग द पॉइंट, आ जाना पड़ा, ए जाने पड़े, ई जाने पड़े, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम हैड टू भी लगा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, एक अच्छी न्यूज आपको बीच में दे देते हैं, डिस्टर्ब करेंगे आपको, अनअकैडमी के भी हम यहां पर ऑथराइज्ड फैकल्टी बन चुके हैं, अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं और हमसे स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर अनअकैडमी के थ्रू भी आप, हम एजुकेटर है इस समय वहां इंग्लिश के और आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप वहां भी हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं। पौधों को उखाड़ा जाना पड़ा यानी पास्ट में, तो आप इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, वंडरफुल, द वर्ड इज अप्रूट। देखिए अप्रूटेड तो इसलिए लगाया क्योंकि हैड टू बी अप्रूटेड, आई एग्री विद यू, मगर वर्ड जो मिला हमको अप्रूट, उखाड़ना, आप कहेंगे सर लगाना क्या होगा, बिल्कुल प्लांट द सैपलिंग, बोलिए मेरे सर प्लांट द सैपलिंग, एस ए डबल पी एल आई एन जी, तो हमने वर्ड यूज किया प्लांट द सैपलिंग, एस ए डबल पी एल आई एन जी, प्लांट द सैपलिंग को बोलते हैं पौधे लगाना, कुछ लोग बोलते हैं पेड़ लगाना, बिल्कुल प्लांट द ट्रीज, दोनों ही सही है। उखाड़ने का हमें रिया ने बताया, तो वर्ड इज अप्रूट और ऑब्वियस है पौधों को उखाड़ा जाना पड़ा, मींस व्हाट, प्लांट्स हैव टू बी अप्रूटेड, राइट। चलिए कोर्स बुक को कमजोर विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाना पड़ा, कोर्स बुक हैड टू बी रेड बाय द वीक स्टूडेंट, वंडरफुल। देखिए स्टूडेंट्स आप इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मगर आज के बाद आप गलती मत करना, राइट, रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहेगी, रीड ही रहेगी, मगर बोला क्या जाएगा, रेड, रीड रेड रेड, बोलिए मेरे साथ रीड रेड रेड, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा रही है रिया और रिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कोर्स बुक कमजोर विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाना पड़ा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि यहां पर वर्ड है रीड, तो ऑब्वियस है रेड लगेगा क्योंकि हम हैड टू लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये छोटी सी पार्ट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमारा जो मोटो है वो है आपको 70 स्ट्रक्चर तक पहुंचाना, ये 17 और 18 के बाद हम चलेंगे अगली दुनिया के अंदर और वो भी आपके लिए बेहद अच्छी होगी और 70 स्ट्रक्चर्स आते आते बहुत प्रूडेंट हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू।